हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? एंड कैसा चला नवरात्रा का प्रिपरेशन? आप सबों को सबसे पहले जय माता दी। एंड हाय अंचल, हाय अनुष्का, हाय विशाल, तो हाय मिस्टर परफेक्ट, हेलो सौरभ चौधरी। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का? जय माता दी। कैसा चल रहा है डीपी का प्रिपरेशन? हाय मनीषा, हेलो रेड रोज रेस्टोरेंट, कैसा चल रहा है अपना कैफे? अभी से स्टार्ट हो जाओ क्योंकि आपका पहला दशहरा है ना, तो अभी से रेडी रहो, मजा आने वाला है। कैसे हो आप सभी पहले ये बताओ। हेलो सुशांत सिंह, जय माता दी आप सभी को। हेलो नितेश सर, तो यस, तो मैं आज आप सबों के साथ दो गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। पहला गुड न्यूज़ ये है कि हर एक साल हम लोग चैरिटी और डोनेशन, सेकेंड दिन से सर आपका नहीं देख रहे हैं सब। मैं अभी इधर नेपाल शिफ्ट हो गया हूँ सर, बेटेटार में, तो अब मैं वहाँ नहीं दिखूँगा। हाँ मंथ मंथ मैं सोच रहा हूँ बीच बीच में आकर के आप सबों से मिलने का। हाँ बट आप सभी जाओ, सर्विस वैसा ही मिलेगा, क्वालिटी वैसा ही मिलेगा। अगर उसमें दिक्कत होती है तो प्लीज आप हमें बताना। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ सुशांत सर, आप कैसे हो? तो जो दो गुड न्यूज है, दो गुड न्यूज में से पहला गुड न्यूज मैं आप सबों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला ये कि हर साल हम लोग दशहरा या दिवाली पे कुछ चैरिटी करते हैं, कुछ डोनेशन करते हैं, तो लास्ट टाइम भी हमने करा था। तो इस बार मैं फॉरेस्ट में नहीं हूँ, यहाँ हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कैंपेन ना मैं ऑनलाइन करने का सोच रहा हूँ। और इसमें एक आप सबों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करो। अमाउंट मैटर नहीं करता है, बट आपका पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है। तो आप सभी इस लाइव के बाद मैं एक पोस्ट डाल दूंगा, या इसी पे फोन पे या गूगल पे नंबर पिंग कर दूंगा। तो आप सभी प्लीज उसमें पार्टिसिपेट करना। एंड मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि अमाउंट मैटर नहीं करता, बट आपका पार्टिसिपेशन मैटर करता है। एक छोटा सा सोचो कि अपन फेस्टिवल में कितने खुश होते हैं। एंड हम लोग बहुत लकी हैं कि हर चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एफर्ट्स ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी छोटी सी कोशिश से अगर किन्हीं का दिन बन जाए, किन्हीं के चेहरे पे खुशियाँ आ जाए, तो कसम से आपका ना पूजा सफल हो जाता है। एंड वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है जब आपकी वजह से किन्हीं के चेहरे पे मुस्कान होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़े अमाउंट डोनेट करो, लेकिन प्लीज़ आप सभी पार्टिसिपेट करो। एंड एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे ना, मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हें बाद में बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होगा, और मैं प्राउड फील करवाऊंगा। तो प्लीज आप सभी इस छोटे से कैंपेन में पार्टिसिपेट करो कि आपकी मुस्कान, आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आए। हम लोग दशहरा दिवाली मनाते हैं बहुत अच्छे से, अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हमारे वजह से किसी और का भी दशहरा मने और दिवाली मने। और छोटा छोटा सा आप लोग हल्के हल्के से सपोर्ट करोगे ना, तो बहुत हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो हर कोई पार्टिसिपेट करो, ये पहला चीज़। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए बस इतना कहूँगा, उन्हें मैं बाद में जरूर प्राउड फील कराऊंगा कि उन्हें प्राउड फील होगा कि मैंने बहुत अच्छा वर्क करा, अच्छा हुआ मैं पार्टिसिपेट करा इसमें, ये जरूर मैं फील करवा दूंगा। तो प्लीज़ आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करना,
अमाउंट कोई मैटर नहीं करता, आप 10 10 10 रुपये से भी स्टार्ट करो, बस आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप सपोर्ट कर रहे हो, किसी के चेहरे की मुस्कान की वजह बन रहे हो। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पार्टिसिपेट जरूर करना। अब सेकंड सेकंड गुड न्यूज़ क्या है? सेकंड गुड न्यूज़ आने से पहले बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सभी से थोड़ी सी बात करते हैं। हाय संपूर्ण, मैं बहुत बढ़िया हूँ चैंपियन, तुम कैसे हो? हाय यादव मनीष, हाय प्रिय स्पीड, हेलो मेहता एचआर, जिसने भी एलआर से लेट से ज्वाइन करा है, मैं उनको बताऊं कि हम हर साल हम लोग दशहरा दिवाली में कुछ चैरिटी और डोनेशन करते हैं, तो लास्ट टाइम भी हमने वहाँ पे करा था, बट इस साल मैं इंडिया में इधर हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ, मैं ये ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड आप लोग प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करो एंड किसी की मुस्कान की वजह बनो। समझे, मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़े बड़े अमाउंट डोनेट करो, बट पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट मैंडेटरी है। अरे कब आ रहे हो? आता हूँ, बहुत जल्दी आता हूँ, आऊँगा तो आने से पहले मैं स्टोरी वगैरह डाल दूंगा कि मैं आ रहा हूँ। और एक बार आप लोग उलाना देना बंद करो कि वहाँ जाकर के भूल गए हैं आप, ये कसम से जितने लोगों से बात होती यही उलाना देते हो। मैं नहीं भूला हूँ यार, अगर भूला होता तो मैं संडे संडे थोड़ी आता आप सबों से बात करने, और आप सबों को भूल नहीं सकता, यू आप सभी यहाँ बसते हो यार, बहुत दिन हो गए मिले। आ जाओ फिर बजट आ रहा, जाओ और एक साथ वाली चाय, चाय तुम पिलाओगे फिर मैं आऊंगा, तुम्हारी तरफ से चाय रहेगा ना संपूर्ण। तो सेकंड जो गुड न्यूज है वो अपन जाते समय रिवील करेंगे, उससे पहले आप लोग बताओ कैसा चला, आप लोगों का कितने लोगों का फास्टिंग है, कितने लोग फास्ट रख रहे हो? हेलो अमन यादव सर, बिल्कुल ठीक है, हमारे टेक में हमें ट्रीट देना चाहिएगा। कितने लोगों का फास्टिंग है? फास्टिंग मैं जितने लोगों का रिक्वेस्ट, 4 5 लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, मैं लास्ट में लेता हूँ क्या? नहीं तो पता नहीं, मैं जैसे ही एक्सेप्ट करूँगा ये लाइव इंटरप्ट हो जाएगा, पता नहीं इंस्टाग्राम का लाइव से मेरा नेक्स्ट लेवल का ही सीन है। मीन फास्टिंग कूल, तो ये कौन सा फास्टिंग है तुम्हारा, कितना दिन हो गया और आप ऑफर पे ऑफर देते हो? कोई नहीं, फास्टिंग कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हारे लिए भी एक स्पेशल ऑफर रहेगा, द फ्री स्पीड, दो लोग फास्टिंग रख रहे हो, जितने लोग भी, और कितने लोग फास्टिंग रख रहे हो, जितने लोग भी फास्टिंग रख रहे हो ना, 1% हमारे हमारे लिए भी थोड़ा सा प्रे कर देना कि ये वाला ब्रांच ना बहुत तगड़ा तगड़ा चले, आप लोग थोड़ा सा ब्लेज करना, इतना छोटा फेवर तो कर सकते हो ना। हाय शैमा, हाय गुप्रान, हाय शिखा, और कितने लोगों का शॉपिंग हो गया है? यस योर ओ, थैंक यू। कितने लोगों का डीपी का शॉपिंग ऑलरेडी हो चुका है? 1% क्यों, 100% करेंगे? ओ भाई साहब, काश मैं तुम सबको हक कर पाता, ऐसा होता। थैंक यू सो मच यार। हाय शिखा, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं पहला पूछ रहा था कि कितने लोगों का फास्टिंग है, दूसरा क्वेश्चन है कि डीपी की शॉपिंग हो गई क्या, भेड़ेटार वाला ब्रांच कहाँ है? भेड़ेटार में, ये भेड़ेटार वाला ब्रांच जैसे भेड़ेटार चौक है ना, उससे 200 मीटर पहले ही अपनी ठीक रिजोर्ट होते हुए आप भेड़ेटार जाओगे, तो भेड़ेटार से जस्ट पहले एक गैरेज है, उसके बाद अपना रिजोर्ट है, उसके बाद फिर एक गैरेज है, तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, फिर ये डायरेक्ट भेड़ेटार चौक पहुंचाएगा, तो भेड़ेटार चौक से ऑलमोस्ट 200 मीटर पहले ही है,
नो कल होगी, आओ मैं साथ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कल होगी। ओके हो गया शॉपिंग। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो मैं कोटा में था ना, मैं थोड़ा सा एक बताता हूँ, जब मैं कोटा में था तो दशहरा में क्या होता था कि हम लोग ये प्लान बनाते थे कि जो दशहरा में सब घर चले जाएंगे, हम लोग आराम से वहीं रहेंगे, मस्त वाला पढ़ाई करेंगे, हमारा ये माइंडसेट रहता है था। तो जब वो हम लोग घर नहीं जाते थे तो मैं और मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, हम दोनों मिल करके कुछ क्लोथ्स वगैरह खरीदते थे, फिर ऑर्फनेज कोटा में वहाँ पे जाते थे 10वीं के दिन सुबह में। वहाँ पे पूरे ऑलमोस्ट एक्टिविटीज़ हम लोग वो साथ में प्ले करते थे, और साथ में जो हम लोग जब जा रहे होते थे तो ढेर सारा पिज्ज़ा वगैरह खरीद लेते थे कैब में होके, एंड होल डे हम लोग वहाँ पे स्पेंड करते थे। एंड तब से हमारा स्टार्ट हुआ कि हर डीपी पे कुछ ना कुछ चैरिटी वाला काम हम लोग करते हैं, एंड ये कंटिन्यूस अभी भी चल रहा है। और वही एक मकसद है कि मैं आप सबों को आज हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर भी हमने फाउंडेशन में डोनेशन करा था, इस बार आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। अमाउंट बिल्कुल मैटर नहीं करता, बट पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड थोड़ा सा यार बी द रीजन ऑफ समवन से स्माइल। यार आपका हुआ शॉपिंग, ये तो बताओ, आप सबके बारे में पूछते हो, अपना भी बताओ आप। हमारा क्या होगा, हम गरीब आदमी हैं यार। हमारा शॉपिंग वगैरह होना बंद हो गया यार। अरे खास करके अभी इस प्रोजेक्ट में शॉपिंग छोड़ो, सांस लेना मुश्किल हो रखा है लगभग 10-15 दिन से, जब से आया। ठाक 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 ठाक, दाढ़ी से देख रहे हो कितना बढ़ गया है। मम्मा को फोन करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, मम्मा यही बोलती है कि जाके तुम बाबा बन गए हो क्या। श्योर 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 श्योर। एंड तो और कितने लोगों का फास्टिंग है आज? हाय मनीषा, हाय प्रिया, प्रियाकर, और मैं एक चीज़ और अनाउंस करने वाला हूँ। कुछ कुछ लोग जैसे शिवा ने एक केफिट एक इनोग्रेट करा है, तो उन्होंने कुछ डोनेशन का प्रोग्राम रखा था। तो आप लोग अगर कोई भी डोनेशन इस तरह का कैंपेन अगर सोच रहे हो, तो अगर आप टेक से कुछ भी ऑर्डर करते हो तो मैं उसमें कॉन्ट्री करूँगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। तो कभी भी आपका चैरिटी से रिलेटेड अगर थॉट आए कि अपन यहाँ कुछ डोनेशन करने वाले हैं, अपन यहाँ पे कुछ करने वाले हैं, तो टेक आपके साथ हमेशा रहेगा। एंड इस बार शॉपिंग जब करना ना, तो कुछ कुछ पैसे बचा के रखना, सारे पैसे खर्च मत करना, कुछ पैसे इसलिए बचा के रखना कि एक तो या तो मैं कैंपेन चला रहा हूँ उसमें सपोर्ट करना, या अगर बाय मिस्टेक अगर इसमें नहीं भी कर सके तो कोशिश करना कि मेला में जाओ ना, तो जो कुछ ज़रूरतमंद दिखे जो तुम से पॉसिबल हो, तुम कोशिश करना उसके चेहरे पे मुस्कान लाने का। आपके रिवॉर्ड्स में आपके फॉलोअर्स को कितना डिस्काउंट दोगे? हमारे मैंने बताया ना, हमारे टेक फैमिली के लिए हमेशा 10% डिस्काउंट रहेगा, आप जब भी आओ। और यही नहीं, कोई भी टेक का आउटलेट्स होगा, टेक फैमिली को हमेशा 10% डिस्काउंट मिलेगा। हाय प्रिंस यादव, 15 मिनट। सेकेंड गुड न्यूज़ ये है, दो गुड न्यूज़ था, एक गुड न्यूज़ मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। सेकेंड गुड न्यूज़ ये है कि अपना रिजोर्ट का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंटीरियर वगैरह हो गया है, तो अगर सब कुछ सही रहा तो प्रोबेबल दिवाली से पहले हम लोग इनॉग्रेट करेंगे। एंड बहुत हमारा प्लान था कि जो डीपी में इनॉग्रेट करें, बट हर चीज़ को शुरुआत से करने में, क्योंकि टोटली अपन थीम चेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एंड हाँ, अपना जो होटल्स हैं
वो सब सारे कंडीशनल में है। अभी हमने सॉफ्ट ओपनिंग मतलब अपना रिजॉर्ट ऑपरेशनल है, बट जो एक मेन रिनोवेशन का काम है जो जिसके बाद टोटली मस्त वाली वाइब आएगी वो इनोग्रेशन के बाद आएगी। तो अपन उसमें लगे हुए हैं एंड हो रहा है, बहुत बढ़िया सा हो रहा है। हम और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार रिजॉर्ट तो देखो, अरे बिल्कुल दिखाऊंगा, पहले बनने तो दो। अभी पूरे मेस मेस बना है, दिखाने दिखाने जैसा कुछ है भी नहीं। दिखाने जैसा अभी वेदर है, तो मैं वेदर ही दिखा रहा हूँ आप सबको। 8 को खुला रहेगा, डेफिनेटली खुला रहेगा। 8 को क्या है, 8 को दोनों ये भी ओपन रहेगा, वहां भी ओपन रहेगा। हाय आदित्य सर, FBG कब आएंगे भैया? बहुत जल्दी मैं प्लान कर रहा हूँ, एंड जब भी आऊँगा आप सबों को बता दूंगा पहले कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत मन कर रहा है आप सबों से मिलने का। एंड मैं कोशिश करूँगा कि अब जब भी फॉर्मेशन जाऊँ तो कम से कम 1 से 2 दिन स्टे करने का, ताकि आप सबों से मिलो। क्योंकि रात में आप लोग 4-4 बजे मैसेज भेजते हो, मिस यू दादा, मिस यू भैया, एंड कुछ तो ऐसे ताना मारते हो कि जो जा करके भूल ही गए हो। तो भाई साहब प्लीज ऐसे ताना मत मारो, आप सबों को कैसे बोल सकता हूँ, आप सभी यहाँ बसते हो, देख रहे हो। हाय दीपेंद्र, हेलो गौशम, FBG नहीं आइएगा हर्षित, 8 को कुछ नहीं है, मैं आऊंगा। कहाँ बेडेडार आने की बात कर रहे हो या फॉर्मेशन आने की बात कर रहे हो? हाय मिकेल सर, तो अब मुझे जाना होगा। जाने से पहले मैं एक चीज फिर से रिकॉल करना चाहूंगा कि हर साल हम लोग दशहरा और दिवाली पे चैरिटी करते, कुछ NGOs करते हैं। लास्ट ईयर हमने ऑफलाइन करा था, इस बार मैं ऑनलाइन रख रहा हूँ। तो आप सभी प्लीज पार्टिसिपेट करो, एंड मार्क माय वर्ड्स, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए हमारी तरफ से कुछ स्पेशल जरूर होगा, और उन्हें बहुत प्राउड फील होगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा आप सबों से, आई एम नॉट सेइंग कि बड़े अमाउंट डोनेट करना, बट पार्टिसिपेट जरूर करना। एंड कसम से जब आपकी वजह से लोग मुस्कुराते हैं ना, तो भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल वाली फील आती है। मैं ऑलरेडी 3 बार यही बात बोल चुका हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करना। एंड मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। एंड आप सबों को हमारे तहे दिल से जय माता दी, माता रानी आप सबों की सारी अच्छी इच्छाएं पूरी करें। लव यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग। हस्ता ला विस्ता।